मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ, आइए। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूँ, महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करते हुए आज श्री महाराजा अग्रसेन जी की भव्य मूर्ति का आवरण हमारे पिता के समान, मैं तो हमेशा ही चाचा जी कहता हूँ, माननीय माँ महिम प्रोफेसर गणेशी लाल जी हमारे बीच में, भाई पुरुषोत्तम गोयल जी, भाई मनीष सिंगला जी, भाई महेंद्र जी सतनारी वाले, भाई ललित जैन जी, भाई अनिल गनेरी वाला जी प्रधान महाराजा अग्रसेन स्कूल से, भाई गौरव गोयल जी प्रधान अग्रवाल सभा के, श्री अतुल जी गुप्ता, श्री अजय गोयल जी, श्री नरेश जी के बने वाले, श्री राजेश जी, रिंकू भाई बहुत ही खूबी से हर जगह मंच संभालते हैं और मंच के साथ साथ जो भजन में जो मन लगवाते हैं शायद ही मेरे ख्याल से तो कोई दूसरा होगा, यहाँ ऐसा रूप है इनका। और भाई अंजनी कनौडिया जी, भाई सुनील जिंदल जी, भाई मुकेश शर्मा जी, भाई मनोज सिंगला जी, भाई कीर्ति जी गर्ग, भाई आकाश चांद जी, भाई एन के गुप्ता जी, भाई घनश्याम मित्तल जी, भाई JBL गर्ग एडवोकेट जी, भाई विनय जी मित्तल, सभी मेरे साथियों को, मेरी माताएं बहनों को, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज महाराजा अग्रसेन पार्क के लिए बहुत कुछ कहा है चाचा जी ने, उससे ऊपर तो नहीं, लेकिन मैं आप सभी को बधाई देता हूँ महाराजा अग्रसेन पार्क की, कि आप भाई पुरुषोत्तम जी ने पहल की और पहल कर एक ऐसा सुंदर पार्क बनाया श्याम बगीची के सामने। ये रोड वैसे तो चाचा जी, जब मैं मंडी वाले मेरे पास आए काफ़ी लोग, कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा नशेड़ियों का अड्डा है, नरक है, इसको सुधारने की कोशिश करें, तो उसके अंदर सबसे पहले श्याम बगीची बनी, फिर भाई पुरुषोत्तम जी ने पहल की कि हम अग्रसेन पार्क बनाएं। मैं कह बिल्कुल, ये पूरी बेल्ट यहाँ से लेकर अपने डवाड़ी पुल तक, इसके बाद एक रोटी बैंक बना है बहुत अच्छा, उसके बाद अरोड़वंश पार्क बना है, उसके बाद कबीर पार्क बना है, तो ऐसे पूरी इस लैंड को कवर कर दिया और यहाँ सभी ट्रस्टों ने साथ दिया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि जितने भी पार्क अगर कोई ट्रस्ट लेना चाहती है, उसकी देख रेख करना चाहती है, तो हम उसको अवश्य देंगे। उसके अंदर सबसे पहले पहल भाई पुरुषोत्तम जी ने की और आज भव्य अग्रसेन पार्क बनाकर तैयार रूप किया है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और जब भी चाहेंगे मैं तो तन मन धन से आपके साथ खड़ा हूँ पुरुषोत्तम जी, और मैं बड़ी कोशिश करूँगा कि इसके अंदर भी जो सरकार से आपको अनुदान मिलता है उसको दिलवाने की कोशिश करूंगा। इसका रख रखाव भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट है, उसके हिसाब से भी वो आपकी हम पूरी करवा कर मैं कोशिश करूंगा, और हमारे चाचा जी तो हमारे साथ हैं ही, वो भी कोशिश करेंगे। तो ये पार्क के अंदर ये रख रखाव, ये सुंदरता, ये चाहे आज शाम बगीची, आज मैं शाम बगीची जब बनी थी मैंने कहा था उस टाइम अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ आने वाले समय में देखना कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। आज इतना शाम बाबे का आशीर्वाद है कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। और जब मैं आया था, जब उसका लैंटर लग रहा था, तो उससे मुझसे जब पूछा गया कि इसका हम नाम क्या रखें, तो मैंने उस टाइम कहा इसका नाम शाम बगीची ही रखें, ये शाम बगीची। उसके बाद वहाँ जब भोलेनाथ का मंदिर बना, तो मुझसे पूछा गया कि भोलेनाथ मंदिर का भी नाम क्या रखें, मैं कहा शाम बगीची में श्याम जी के नाम से ही रखें, तो श्याम महादेव के नाम से मंदिर बना, और वहाँ बहुत आज भव्य रूप से लोग शाम बगीची के अंदर दर्शन करते हैं, और बाबा का बहुत बहुत अपार आशीर्वाद है सिरसा पे। वैसे तो सिरसा संत महात्माओं की धरती है, यहाँ 365 दिन अगर कहीं जागरण, भंडारे, लंगर कहीं चलते हैं, कोई प्रोग्राम होते हैं, तो वो सिरसा शहर है। ऐसा प्रेम प्यार भाईचारे का शहर अगर हिंदुस्तान में है तो वो सिरसा है, और वहाँ सिरसा के अंदर बाबा सरसाईनाथ की नगरी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे सिरसा, मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसका नाम भी उन्होंने
बाबा सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज रखा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सिरसा पर इतना मतलब बाबा सर साईनाथ के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की, तो बहुत बड़ा काम किया क्योंकि संतों की धरती है। और वहाँ मैं तो चाचा जी से ही बताता हूँ कि मैं तो बाबा जी के पास जाता हूँ तो उनसे एक ही बात कहता हूँ कि हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हमारा जन्म सिरसा में हुआ। अगर कहीं किसी का और भी कहीं जन्म हुआ वो सिरसा में आया तो बड़ा सौभाग्यशाली है कि ये संत महात्माओं की धरती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आने के बाद जाना पड़ता है और जाने के बाद आना पड़ता है। तो मैं तो एक ही प्रार्थना करके आता हूँ कि यहाँ भेज देना कि इनकी सेवा करता रहूँ। यहाँ लंगर जरूर मिलेगी, यहाँ लंगर रोज चलती है और कहीं नहीं मिलेगी। इस हाथ फटे बात मत भेज दे। ऐसा शिक्षा शहर है प्रेम प्यार भाईचारे का जहाँ हमारा जन्म हुआ। आज मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिटिया जयपुर से आई है उसको सुनने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। जय महाराजा करसैन जी की। जोरदार तालियां। आदरणीय बहू जी बैठे हुए हैं, गोविंद भाई भी हैं, हमारे भाई मनीष जी सिंगला और हमारे भाई राजन मेहता जी भी बैठे हुए हैं। देखो कार्ड पे एक छोटा सा मैंने स्लोगन पढ़ा था, मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। देखो छोटा हूँ, बड़ी बात मैं बहुत छोटा हूँ आप सबसे। उस पे लिखा हुआ प्रस्तावित 31 फुट ऊंची महालक्ष्मी माता की एक मूर्ति। क्यों पुरुषोत्तम जी लिखा हुआ था ना, तो वो प्रस्तावित जो है ना, बस इतनी सी इच्छा है कि वो प्रस्तावित शब्द वहां से हट जाए और बहुत जल्द मुख्य द्वार पर, हमारे श्री अग्रवाल पार्क के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी जी की 31 फुट की जो प्रतिमा है, कोशिश करें। देखो आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है, तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द हम माँ लक्ष्मी जी की वो प्रतिमा जो है उसको यहाँ पर स्थापित कर सके और उनका भी भव्य रूप से हम अनावरण कर सके। ये मेरी ओर से आपके चरणों में विनती है, आप सब कोशिश करें ताकि जल्दी से जल्दी, जिस प्रकार देखो हमारे महाराज श्री को हमने अग्रसेन पार्क से श्री अग्रवाल पार्क में स्थापित किया है, उनका आज मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो मैं चाहूंगा बहुत जल्द ही माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी अगर यहाँ पे लग जाए तो आनंद ही कुछ और हो जाए। क्यों जी आप सब समर्थन करते हैं ना, एक बार जोरदार तालियां बजाएं जो जो ये चाहते हैं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कृपया हमारे सभी सर्व समाज की इच्छा है तो जल्दी से जल्दी आप कोशिश करें और इसे पूरा करें। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए महाराजा अग्रसेन जी महाराज की, बोलिए माँ लक्ष्मी महारानी की। आओ जयपुर से हमारी बिटिया बधाई है, हमारे अग्रवाल समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे अग्रवालों की बेटियां भी किसी भी आज क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज हमारी लाडली साक्षी ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत नाम कमाया है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और सिरसा में तो लगभग महीने में एक दो हाजिरियां लगती रहती हैं। आइए ना बोलिए सच्चे दरबार की, आइए आमंत्रित करने चला हूं लाडली साक्षी अग्रवाल को। आइए माफी चाहूंगा मैं भूल गया, हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव, हमारे महिला मंडल की ओर से मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे भाभी जी सोनिया सिंगला जी, अंजू गोयल जी, वंशिका जिंदल जी, मंजू गर्ग जी, दीपिका बिटिया बैठी हुई है, कृपया आप सब आए और बाबा के नाम का पटका पहना करके सबसे पहले ममता गोयल जी भी आप सब आए और हमारी बिटिया को बाबा के नाम का पटका पहना करके आप सब सम्मानित करें। आइए